हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास टेंथ की जो साइंस का चैप्टर दो है उसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आराम से समझाते हैं, तो आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना, चीज़ों को जो मैं समझाता हूँ उसको समझने की कोशिश करना। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अगर आपने कुछ ठीक से नहीं पढ़ा है या फिर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो आपके फ्यूचर के अंदर भी जो है वो काम आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरियस रेन वाटर डज। जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो रेन वाटर होता है यानी कि जो बरसात होती है, बारिश जो होती है, जो रेन होती है, उसके अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो हमारे को उसका रीजन बताना है कि वो ऐसा क्यों होता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है या फिर कोई चार्ज होना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इस तरीके से चार्ज होना जरूरी है। अब डिस्टिल्ड वाटर की अगर बात करें, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, लेकिन जो रेनी वाटर होता है, ये रेनी वाटर जो एनवायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट टाइप की गैसेस जो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करके और कुछ डिफरेंट टाइप का एक कंपाउंड बना लेता है, और ये जो कंपाउंड है ये आयनाइज हो जाता है। अब यहां पर मान लो कि कोई कंपाउंड बना, ये क्या करता है, ये आयनाइज हो जाता है यानी कि आयंस के अंदर टूट जाता है, आयंस के अंदर टूट जाता है। नंबर एक चीज ये आपको समझ में आ गया, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं यानी कि वो आयनाइज नहीं हो पाता है। जो H2O जो है वो आयनाइज नहीं हो पाता है डिस्टिल्ड वाटर में, लेकिन रेनी वाटर जो होता है वो एनवायरमेंट के अंदर जो गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और भी जो गैसेज हैं, उनके साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेता है, और ये कंपाउंड जो है वो आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने की वजह से आयंस बन जाते हैं, और इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाती है। नंबर एक चीज। नंबर दो, एसिड जो होते हैं उनके पास H प्लस आयन होता है। अगर किसी भी कंपाउंड के पास आपको H प्लस आयन दिख जाए तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है, एसिडिक है, और अगर बेस है तो उसके पास OH माइनस आयन होने वाला है। अगर OH माइनस आयन अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है। अब गुरुजी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डिटेल में समझो, समझो HCl ये आयनाइज होकर H प्लस और Cl माइनस ये बना लेता है, ये आयंस के अंदर इस तरीके से टूट जाता है। यहां पर क्या दिखा अपने को, H प्लस, तो इसका मतलब HCl क्या है, HCl एसिड है। उसी तरीके से NaOH ये आयनाइज होकर Na प्लस और OH माइनस इस तरीके से आयंस के अंदर टूट जाता है। अब यहां पे क्या दिख रहा है, OH माइनस, तो इसका मतलब ये क्या है, बेस, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि बेस जो है वो OH माइनस आयन उसके अंदर होते हैं। यहां तक की बात समझ में आती है, दोनों दोबारा से देख लीजिए। जो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, आयंस नहीं होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए आयंस का होना, चार्ज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चार्ज नहीं, आयंस नहीं, तो इसका मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी। रेनी वाटर जो होता है वो है तो जनरल वाटर ही, लेकिन वो क्या करता है, एनवायरमेंट के अंदर जो गैसेज होती हैं
ऊपर के ऊपर ही वो क्या करता है, उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद वो कोई कंपाउंड बना लेता है, और वो कंपाउंड जो है वो आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो ये तो हो गया नॉर्मल H2O, और यहाँ पे जो H2O है वो CO2 के साथ या फिर अदर जो गैसेस हैं उनके साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेगा, वो कंपाउंड आयनाइज हो जाएंगे और वो आयंस के अंदर टूट जाएंगे। आयंस जो है अगर हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होने लगेगी। नेक्स्ट, अगर कोई एसिड है तो इसका मतलब उसके अंदर H+ आयन होंगे, अगर कोई बेस है तो इसका मतलब उसके अंदर OH- आयन होंगे, या फिर इसको उल्टा, अगर किसी के अंदर H+ आयन है तो इसका मतलब वो एसिडिक होगा, अगर किसी के अंदर OH- आयन है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का होगा। एग्जाम्पल HCl, H+ और Cl- के अंदर टूटेगा, आयनाइज होगा, तो H+ दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, एसिडिक। एग्जाम्पल ऑफ एसिड क्या होगा, HCl। NaOH जो है Na+ और OH- के अंदर टूटेगा, आयंस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा, OH- दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो NaOH जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बेस का एग्जाम्पल है। अगर यहां तक की बात समझ में आ रही है तो अब हम इसका आंसर जो है बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। बस एक बात याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आयंस होना जरूरी है। चलिए, डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड आयंस एंड हेंस कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, वो आयंस से फ्री होता है, उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते हैं। तो अगर आयंस नहीं है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, रेनी वाटर जो होता है उसके अंदर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, उसका आंसर देखिए। रेन वाटर ऑन द अदर हैंड डिजॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 एटसेट्रा। ये जो गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मिलती हैं, CO2, SO2, NO2, ये क्या करते हैं, टू फॉर्म एसिड लाइक H2CO3। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके और H2CO3, H2SO4, HNO3, और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है एसिड, क्योंकि जब ये आयंस के अंदर टूटेंगे तो इन सब के अंदर H+, 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 ये H है ना, ये H+, 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 तो इस प्रकार से हमारे को H+ मिलता है। और मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर H+ मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, एसिड, और OH- मिल रहा है इसका मतलब वो बेस है। तो ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर था वो तो आयनाइज नहीं हो पाता है, उसके अंदर तो आयंस नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी यहाँ पर एसिड बने हैं ये आयनाइज हो जाते हैं, और अगर ये आयनाइज हो गए तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस जो हैं वो बन गए, और अगर आयंस हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। द अमाउंट ऑफ दीज एसिड इज वेरी लो। जो अमाउंट है जो रेनी वाटर होता है उसके अंदर इनकी अमाउंट बहुत कम होती है, लेकिन होती तो है, थोड़े बहुत होती तो है, सिंस दे कैन ईजिली डिसोसिएट इनटू आयंस। और ये जो एसिड जितने भी मैंने आपको बताए ये क्या करते हैं, आयंस के अंदर टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। आयंस के अंदर टूटने की वजह से H+ इस प्रकार से यहां पर आयंस बन जाते हैं। सो दे इनेबल रेन वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए यही रीजन है कि जो रेनी वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। तो दोबारा से समझिए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, आयंस नहीं होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता है, लेकिन जो रेनी वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, SO2, ये जो गैसेस हैं इसके अंदर वो वाटर जो है, रेनी वाटर जो है वो रिएक्शन करके और एसिड बना लेता है। कौन कौन से, जैसे H2CO3, H2SO4, HNO3, ये एसिड जो है अब ये आयनाइज हो जाते हैं, और ये आयनाइज हो जाते हैं इसका मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर जो है रेनी वाटर जो है
उसके अंदर आयनाइज हो जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर आयंस बना लेते हैं, और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। इसलिए जो रेनी वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए इनेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर भी आप मेरे को मैसेज करके कोई डाउट आता है तो डाउट को रिजोल्व करवा सकते हैं, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सअप पर भी भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर देना, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो नोट डाउन कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।